गर्मी से राहत देने वाली बारिश आपकी स्किन के कई प्रॉब्लम्स का कारण भी बन सकती है, जिससे आपको पिंपल्स, एक्ने, ऑयली स्किन और साथ ही गंभीर स्किन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का बैक टू नेचर में और मैं आपके साथ रूपाली। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं कि बारिश के मौसम में हमारी स्किन को कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। दर्शकों, बारिश के मौसम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना हमारी स्किन को करना पड़ सकता है और क्या साथ ही साथ उसे नेचुरोपैथी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर दिव्यानी जोगी जी। तो चलिए मैम का स्वागत करते हैं। मैम, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। तो मैम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बारिश के मौसम में हमारी स्किन को काफी प्रॉब्लम भी जो है वो झेलनी पड़ सकती है, हालांकि हमारी हेल्थ तो काफी प्रॉब्लम झेलती ही है, लेकिन स्किन क्या क्या प्रॉब्लम झेल सकती है उसके बारे में जानना चाहूंगी। अब देखिए, मॉनसून, वर्षा ऋतु, अब वर्षा ऋतु जैसे ही आती है श्रावण भाद्रपद महीने में ये ऋतु स्टार्ट हो जाती है। अच्छा तो बहुत लगता है, ठंडक तो बहुत आ जाती है, लेकिन ह्यूमिडिटी को बढ़ा देती है और दूसरा डैम्पनेस को भी बढ़ा देती है। जब डैम्पनेस बढ़ता है तो हमारे भीतर में वात पित्त कफ त्रिदोष को वो इम्बैलेंस कर देती है, और जब त्रिदोष इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे भीतर की अग्नि, जिसे कि हम कहते हैं जठराग्नि, उसको वो वीक कर देता है, यानी कि वो बहुत नाजुक कर देता है। और जैसे ही जठराग्नि हमारी नाजुक हो जाती है तो गट की रिलेटेड सारी प्रॉब्लम हमें आती है, और जब हमारा जठराग्नि यानी कि पेट ही इम्बैलेंस में है तो हमारे स्किन में और हेयर में भी दिक्कतें देखने को मिलती है। और इसी ऋतु में सबसे ज्यादा स्किन के प्रॉब्लम्स और हेयर के प्रॉब्लम्स घर घर में दिखाई देता है, क्योंकि ये ऋतु में दो दोष, इसको हम बोलते हैं एनर्जी, तो ये दो जो है वात और पित्त का प्रभाव बढ़ने लगता है। तो हमें वो इस मौसम में देखना है कि ये दोनों का प्रभाव बढ़ने के कारण स्किन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है ऑयलीनेस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, पोर्स ओपन देखने को मिलते हैं, ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं, या फिर ग्लो ही नहीं दिखता, लस्टर ही हमारे चेहरे पे नहीं दिखता, और कहीं ना कहीं एक्ने के भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है या फिर जो लोग कॉलेज में है या जो लोग वर्किंग है, तो उन लोगों को एक्ने के भी प्रॉब्लम्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ये सारे हैं स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसमें फंगल इन्फेक्शन भी बहुत होती है कि एक्ने के बाद आपको ब्रेकआउट के बाद भी अगर नहीं हुआ तो फंगल इन्फेक्शन बहुत सारा देखने को मिलता है। उसी तरह अगर हम हेयर की बात करें तो देखिए, बारिश के मौसम में सबको अच्छा लगता है कि मैं भीग जाऊं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बारिश का जो पानी है वो एसिडिक में है, तो हमारे शरीर में पीएच यानी कि शरीर को समतोल करने के लिए एक पीएच वैल्यू दी जाती है, तो हमारी स्किन की पीएच वैल्यू और हेयर की पीएच वैल्यू से भी ये हायर में है। तो जब एसिडिक की तरफ जाता है और वो आपके स्किन के ऊपर पानी बार बार गिरता है, या वो जब हमारे हेयर के ऊपर पानी बार बार हर रोज गिरता है, तो आपके हेयर फॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं, डैंड्रफ के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्कैल्प यानी कि हमारे जो बाल है उसके नीचे एक स्कैल्प दिया गया है, तो वो स्कैल्प भी इन्फेक्टेड हो जाता है, वहां पे फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, और उसी की वजह से आपने ऑब्जर्व किया होगा हर पल आपको कुरकुर कुरकुर ऐसा कुछ, या फिर ऐसा कुछ ड्राइनेस फीलिंग होगा, या पपड़ी जैसा डैंड्रफ लगाई देगा, या फिर आपको लगेगा कि मुझे इचीनेस बहुत लग रहा है, वो भी आपको देखने को मिलेगा, ड्राई एंड फ्रीजी हेयर मैनेज नहीं होते, ऐसा लगता है रफ टेक्सचर हो गया है, स्प्लिट एंड्स बढ़ जाते हैं, तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि हेयर को आप हाथ लगा दो ऐसा लगता है लगाना ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे जो आपकी हेयर है उसके अंदर प्रोटीन की वैल्यू कम हो जाती है, और गंदगी, डर्ट, स्वेट, ऑयल और डैम, यही कारण है, उस वजह से ये सारा प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग अ मानसून, वर्षा ऋतु में ये सारे स्किन और हेयर के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। जी, तो मैम, जिस तरह आपने बताया कि बारिश के मौसम में हमें बालों में भी काफ़ी समस्याएं हो जाती हैं, डैंड्रफ की समस्या हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मैं जानना चाहूंगी कि क्यों बारिश के मौसम में ही ऐसा होता है, इसके पीछे का कारण क्या है?
बारिश में जैसे आप घर से बाहर निकलते हो, क्योंकि समर का टेम्परेचर और बारिश का टेम्परेचर दोनों अलग होता है, राइट। तो जो हमारे भीतर में जो शरीर का जो टेम्परेचर है, जो हीट है, और सडनली आप बाहर जाते हो तो वर्षा ऋतु हो जाती है, तो उसका जो पानी है, तो ऑलरेडी आपके स्कैल्प में गंदगी होती है, स्वेट होता है, ऑयल प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा है, और उसमें भी अगर कोई पानी, तो आपको एक विजुलाइज करना है, स्वेट है, ऑयली है, और उसके ऊपर पानी अगर आप डाल देते हो तो क्या हो जाएगा, जो हमारे स्कैल्प के, जो हमारा पूरा शरीर एक पोर से, यानी के होल जैसे बोलते हैं, ये पूरा आपको जो स्किन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्किन दिखाई दे रहा है, तो जहां जहां आपके पूरा शरीर के स्किन इज अ लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारा, तो वहां पे पोर्स, बिलियन ट्रिलियन पोर से हमारा शरीर बना हुआ है, तो वो अगर गंदगी भरी हुई है यहाँ पे और ऊपर से पानी गिर रहा है तो क्या होगा, इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ऐसे वक्त अगर आप इसका ध्यान नहीं करते हो, क्योंकि इसमें डैम्प भी होता है, ऑयल का आपका ज्यादा बढ़ जाता है, आपको भीतर से स्वेट होता है, और दूसरा आपकी चयापचन की अग्नि यानी कि मेटाबॉलिक सिस्टम जो आपका है वो स्लो हो जाता है, और वही एक कारण है कि आप न तो पूरी तरह से खा सकते हो, खान पीन की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वायु का प्रकोप होने लगा, जैसे वात और पित्त दोनों का प्रकोप होता है, तो जब ये दोनों इम्बैलेंस हो जाते हैं, डैम जैसा लग रहा है, तो आपको शरीर में चिपचिप लगता है, हेयर में भी चिपचिप लगता है। तो अगर आप मेंटेन नहीं करते हो, ओनली केमिकल्स का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि आपको टेम्पररी कहीं जाना है, आपने केमिकल्स का, अब केमिकल्स लगाया और उसके ऊपर बारिश गिरी, आपका डैम वो और ज्यादा टॉक्सिन्स आपके स्किन के ऊपर और आपके हेयर के ऊपर दिखाई देते। तो ऐसे मौसम में खास ध्यान रखना है, टॉक्सिन फ्री रहना है, केमिकल्स फ्री रहना है, जो आप सोप इस्तेमाल करते हो, जो आप फेस वॉश इस्तेमाल करते हो, जो आप शैम्पू इस्तेमाल करते हो, या जो आप स्टाइलिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, या फिर आपने स्टाइलिंग लाइक यू नो कर्ल्स कर दिया ड्राई, तो वो सबसे ज्यादा ड्राई, क्योंकि इस मौसम में फ्रीजीनेस बहुत हो जाता है। तो हमें कैसे ध्यान रखना है, एक तो है हमें इसके लिए किचन की तरफ जाना है। अब किचन की तरफ का मतलब है केमिकल प्रोडक्ट को ना लेके हम किचन की तरफ जाएंगे, तो किचन में ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे स्किन और हेयर को अच्छी तरह से बैलेंस करने के लिए है, और एवरीडे आप बना के रखिए, और एवरीडे आप इस्तेमाल भी कर सकते हो, कोई उसकी साइड इफेक्ट नहीं होती। इसलिए किचन इज योर बेस्ट मेडिसिन, किचन में ही बेस्ट फार्मा है, तो उससे आप काफी सारे प्रॉब्लम्स को बारिश में से निकाल सकते। जी मैम, तो जैसे कि आपने बताया कि हम क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से हमारे बालों में डैंड्रफ आ जाते हैं या स्कैल्प जो है वो ऑयली हो जाती है, साथ ही स्किन पे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मैं जानना चाहूंगी कि जैसे अगर बालों में हमें कोई परेशानी है, डैंड्रफ आ जाएंगे, वो सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं, लेकिन स्किन पर के पर हमारे को प्रॉब्लम है या फिर स्किन इन्फेक्शन हो गया है, ये किस तरह से पहचाने, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं? अब देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी स्किन टाइप ध्यान रखनी है, स्किन टाइप ड्राई है, ऑयली है, दोनों है, ऑयल ड्राई है, कॉम्बो है, सेंसिटिव है, या फिर नॉर्मल है, तो हमारी पांच स्किन टाइप है। तो हर एक वक्त आपकी स्किन भी चेंज होती है, यानी कि स्किन का जो टेक्सचर है या स्किन जो ब्रीथ कैसे कर रही है वो भी आपको महसूस होता है। तो बारिश के मौसम में जैसे मैंने बोला कि मॉइस्चर लैक होने लगता है और डैम्प और चिक-चिक लगने लगता है, तो अगर आपको चेक करना है कि आपकी स्किन अभी कौन सी है, तो आपको क्या करना है, आपके घर पे टिश्यू पेपर होगा, तो एक 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 टिश्यू पेपर रख दीजिए, यानी कि एक गाल पे टिश्यू पेपर, दूसरे यहाँ पे नाक पे और यहाँ पे, ऐसे पांच जगह पे टिश्यू पेपर रख लीजिए, और उसके बाद 10 मिनट के बाद, या आप सुबह उठते तब रख लीजिए, 10 मिनट के बाद आपको एक एक टिश्यू पेपर को चेक करना है। अगर मान लो यहाँ से मैंने टिश्यू पेपर देखा वो वैसा का वैसा रहा, दैट मीन्स इट्स ड्राई, अगर मैंने यहाँ से टिश्यू पेपर निकाला थोड़ा सा ऑयल दिखा तो समझ जाइए ये पोर्शन ऑयली है, यहाँ पे मैंने देखा तो मुझे ऑयली दिखाई दिया, तो इट्स अगेन कॉम्बिनेशन आ गया, नाक पे देखा बहुत ऑयल आया तो समझ जाइए वो कॉम्बिनेशन तरफ आ रहा है, और मान लो आपके टिश्यू पेपर नॉर्मल ही रहा तो आपकी स्किन नॉर्मल हो गई है वो समझिए। लेकिन अगर आपके हरेक टिश्यू में 1, 2, 3, 4, 5 जगह पे, पांच जगह पे ऑयल, सिबाशियस ग्लैंड हमारे होते हैं, ऑयल सिक्रेशन ज्यादा दिख रहा है, आपका टिश्यू पेपर ज्यादा आपको ऑयली जैसा चिपचिप लग रहा है,
तो समझ जाइए आपकी स्किन ऑयली प्रोन पे जा रही है। तो स्किन ऑयली की तरफ जा रही है, तो अगर मैं उसको ठीक नहीं करूंगी तो वो एक्ने, ब्रेकआउट, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और फिर आपके इसमें से व्हाइट या फिर आपको ओपन पोर्स होने के चांसेस रह सकते हैं। तो बस आपको ये पहले करना है और उसके बाद मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। मेंटेन में CTM को आपको हमेशा अप्लाई करना है, C फॉर क्लिंजिंग, T फॉर टोनर एंड M फॉर मास्क या मॉइस्चराइजर, ये आपको रूटीन में करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मेरी स्किन में चेंजेस हो गए। अब समझ जाइए और केमिकल प्रोडक्ट को मत लीजिए। मार्केट में बहुत से केमिकल और फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट बने, तो मैं सभी दर्शकों को यही समझाना चाहती हूँ, जितना सोप में फ्रेग्रेंस होगा, स्मेल ज्यादा होगी, जितना सोप एट्रैक्टिव होगा, जितना क्लिंजिंग या फेस वॉश में फ्रेग्रेंस ज्यादा होगी, कलर ज्यादा दिखाई दे, आंखों को भाने वाला दिखाए, पैकेज अच्छा हो, वैसे लेना नहीं है। जितना प्रोडक्ट में झाग ज्यादा हो, राइट, सल्फर का प्रमाण ज्यादा, वैसे प्रोडक्ट को नहीं लेना है। केमिकल से बाहर रहिए और अपने घर से ही आप बनाइए और अपनी स्किन का टेक केयर कीजिए। घर से ही स्टार्ट कीजिए बाय स्क्रैच, और इट्स वेरी इजी, हमारी नानी दादी वही करती थी। बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए और अपनी स्किन और हेयर को ब्यूटीफुल ये वेदर में एंजॉय करने दीजिए। जी मैम, तो जैसे कि आपने हमको बताया कि हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है और केमिकल प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं जाना है, लेकिन हम लोग आमतौर पर क्या करते हैं, जो आपने प्रोसेस बताया कि क्लेंजिंग और फिर उसके बाद मॉइस्चराइजिंग और टोनिंग, ये सारे प्रोसेस के लिए हम लोग केमिकल प्रोडक्ट्स पर ही जाते हैं, लड़कियां केमिकल प्रोडक्ट्स पर ही जाती हैं। तो क्या हम घरेलू उपाय से या नेचुरल रेमेडीज से क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। थोड़ा सा आप किचन की ओर जाइए, किचन में सारे तत्व, पंच तत्व अवेलेबल है, बाहर पंच तत्व, भीतर में पंच तत्व, तो पंच फाइव एलिमेंट्स आपके किचन में है। तो सबसे पहले अगर हम स्किन की बात करते हैं तो स्किन में ध्यान रखिए, एक आती है मुल्तानी मिट्टी और एक आती है पृथ्वी की मिट्टी, जो नॉर्मल हमारी चिकनी मिट्टी होती है। लेकिन इस समय में हमें बाहर की चिकनी मिट्टी का इलाज नहीं करना है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा गंदगी होने के चांसेस है। तो आप लोग क्या करोगे, अगर आपको स्किन केयर आपकी ऑयली है, क्योंकि ज्यादातर ऑयली, ब्रेकआउट, एक्ने ये सब दिखते हैं, तो अगर आपको पता चला ऑयली स्किन की टेक केयर करनी है तो क्लिंजिंग करना है, तो अपने घर पे एक पाउडर बना लीजिए। वो पाउडर में क्या क्या इस्तेमाल करोगे, मुल्तानी मिट्टी डालोगे आप, मुल्तानी मिट्टी सभी के घर पे अवेलेबल होती है, तो मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, रोज वाटर, गुलाब का पानी, प्योर गुलाब का पानी जो है वो अंदर मिक्स कर लेना है, और उसके बाद जो फुदीने का जूस बना लीजिए। अब ये तीनों को मिक्स कर लीजिए और फिर एक डब्बी में रख लीजिए और उसको फिर अप्लाई कीजिए और फिर जस्ट मसाज कीजिए, बस ये दो बार करना है और आपकी स्किन चमकदार हो जाएगी। उसी तरह से हल्दी और नीम, जिनको भी एक्ने है, नीम इज अ बेस्ट रेमेडी टू क्योर ऑल द टाइप्स ऑफ आपके स्किन टाइप हो। नीम में एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लामेशन, एंटीवायरल, जो भी है, सारे जो है वो नीम के अंदर गुण है। तो नीम, सैंडलवुड आपने ले लिया और उसके बाद आपने मुल्तानी मिट्टी ले ली, लोध्र, एक आयुर्वेद स्टोर में अगर आप जाओगे हब्स में आपको मिल जाएगा लोध्र, वो लेना है और आपको मिक्स कर लेना है, एक पैक जैसा बना लीजिए, और जहां जहां आपको फूड़े फुंसी हो गए हैं, एक्ने, ब्रेकआउट्स हो गए, वहां पे आपको लगा देना है और छोड़ देना है, थोड़ा सा ड्राई हो जाए, उसके बाद हल्के डैम्प करके उसको रिलीज कर दीजिए। अब हमारे स्किन में ग्लो नहीं दिखता, लस्टर, राइट, जो शाइन होनी चाहिए वो नहीं दिखती, क्योंकि हमारा स्किन पेल हो जाता है, तो क्या करें हम, ड्राइनेस लगती है या फिर हमें मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी बहुत होने के बाद स्वेट लगता है, तो क्या करें। तो बेसन घर पे सबके है, तो बेसन ले लीजिए, उसके अंदर हल्दी डाल दीजिए, नींबू के 2-3 ड्रॉप्स डाल दीजिए और रोज डाल दीजिए, रोज वाटर मिक्स कर दीजिए, और ज्यादा ड्राई लग रहा है तो आप क्या कीजिए, हनी भी डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए और चेहरे पे लगा दीजिए
और थोड़ा सा इमल्सिफाई कीजिए, उसको मसाज कीजिए, हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए और 5 मिनट में मसाज करने के बाद छोड़ दीजिए। तो आपकी स्किन में जो चिपचिपा लग रहा है, ड्राइनेस लग रहा है, क्योंकि ऐसे वक्त हमें एक्सफोलिएशन स्क्रब वाला क्लिंजिंग करना पड़ेगा जिसके अंदर दाने दाने हो, तो वो आप हर रोज कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मुझे टोनिंग करना है, पीएच बैलेंस, मैंने जैसे बोला ना आपको कि स्किन का पीएच बैलेंस करना है, तो आप कीजिए, रोज वाटर से कर सकते हो, ककुम्बर वाटर से कर सकते हो, या एलोवेरा का जो वाटर आता है उसको आप क्या कीजिए, स्प्रे कर लीजिए या कॉटन से कर लीजिए, तो एक बैलेंस हो जाएगा, आपका पीएच बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, हर एक चीज का इस्तेमाल करना है। और अगर आप मास्क लगाना चाहते हो, राइट, तो ये दोनों काम करता है, एक्सफोलिएशन कर लिया उसके बाद छोड़ दीजिए। तो बेस्ट इज अ मुल्तानी मिट्टी, तो मुल्तानी मिट्टी ले ली, नीम ले लिया, सैंडलवुड पाउडर लिया, यानी कि चंदन का पाउडर, नीम का पाउडर, लोद्र ले लिया, फिर उसके अंदर आप डाल दीजिए, हनी डाल दीजिए और रोज वाटर डाल दीजिए। और अगर आपको ज्यादा लगता है कि नहीं मैम मेरा ऑयली या ब्रेकआउट वाली नहीं है, तो फिर आप क्या कीजिए, एलोवेरा। अब एक बात यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी, बाहर एलोवेरा आपको अलग अलग कलर के, अलग अलग फ्रेग्रेंस के मिलते हैं, लेकिन वो नहीं लेना है। शुद्ध एलोवेरा हमेशा व्हाइट होता है, सफेद होता है, तो वो ही इस्तेमाल करना है। अगर आपको लगता है कि मेरी स्किन में चिपचिप ज्यादा, सिंपल सा एलोवेरा लगा दीजिए, ब्रेकआउट भी चले जाएंगे और अच्छी तरह से आप उसको मसाज कीजिए, तो वो एलोवेरा है उसका आपको इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिला, वो हीलिंग प्रॉपर्टीज है, वो क्लिंजिंग प्रॉपर्टीज का काम करती है। तो बस एलोवेरा को ऐड कर लीजिए, एलोवेरा लगा दीजिए, वो भी एक काम करेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि अगर मान लो आपको फिर भी कभी कभी स्क्रब बनाना ही है, तो देखिए गुलाब की पंखड़ियाँ, गुलाब सबके घर पे होंगे, तो गुलाब की पंखड़ियाँ ले लीजिए, बादाम जो है उसको क्रश कर लीजिए, बादाम क्रश किए हुए अध कचरे कर लीजिए, गुलाब की पंखड़ी ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा हनी डाल दीजिए, रोज वाटर कर लीजिए, उसको मिक्स कीजिए और लगा दीजिए। और वो भी नहीं है तो देखिए ओट्स शरीर के लिए भी अच्छा है और फेस के लिए भी है, इट्स वेरी जेंटल एक्सफोलिएशन, जेंटल स्क्रब का काम करता है और लाइटनिंग इफेक्ट देता है, डर्ट को खींच लेता है, ऑयल को खींचने का काम करता है। तो ओट्स जो बाहर अवेलेबल है मार्केट में, स्पाइसी वाले नहीं बोल रही हूँ, प्लेन जो ओट्स अवेलेबल है, वो ओट्स का पाउडर कर दीजिए, उसके अंदर गुलाब की पंखड़ी का पाउडर डाल दीजिए और एलोवेरा डालिए, और एसेंशियल में लेवेंडर के 2-3 ड्रॉप्स डाल दीजिए, ये एक पाउडर रेडी करके दीजिए। और उसके बाद जब भी आपको लगता है इसको लीजिए और एलोवेरा जेल के अंदर मिक्स कर लीजिए और फिर आप मस्तक करिए, घिसिए, तो जहां जहां ध्यान रखिए, जहां जहां फोल्ड है वहां पे हमेशा गंदगी आने की चांसेस रहती है। तो एक एक्सफोलिएशन का काम हो जाएगा, क्लिंजिंग का काम हो जाएगा और फिर मास्क की तरह भी हो जाएगा। तो बस इस तरह से प्रोडक्ट घर पे बनाइए, घर पे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, मलाई है, दूध है, फिर आपका घी है, वो सारे बहुत अच्छे है। किचन में जब आप काम करते हो अप्लाई कीजिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, ये मौसम पैम्पर करने के लिए ब्लीज है, बहुत आनंद का ये मौसम है, उसको डल मत कीजिए और हंसते रहिए। जी बिल्कुल मैम, जिस तरह आपने हमें बताया कि हम नेचुरल रेमेडीज से किस तरह से स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर प्रॉब्लम्स से जो है वो निजात पा सकते हैं, आपने बताया कि किस तरह से जो जैसे कि हमें घरेलू नुस्खों की ओर जाना है और किचन की ओर ज़्यादा जाना है, मैं जानना चाहूँगी कि क्या हम खान पान में भी कुछ बदलाव ला सकते हैं जिससे हम हमें स्किन प्रॉब्लम्स ना हो बारिश के मौसम में या फिर हेयर प्रॉब्लम्स ना हो। अब देखिए मानसून का वेदर वात और पित्त को डोमिनेंट करने वाला है वेदर, उसमें खास आपको ध्यान रखना है कि वात से बादी वाले जो किचन में है वो नहीं खाना है, जैसे कि छोले है, हाँ छोले है, या फिर आपने राजमा ले लिया, माकी दाल ले ली, वो सब कुछ नहीं खाना है। स्पाइसी बहुत लोगों को अच्छा लगता है, वो आपके स्किन हेयर को भी प्रॉब्लम करता है। तो इस वेदर में आपको क्या करना है, प्रोटीन की मात्रा को है, तो दालों में सबसे बड़ा प्रोटीन है, तो दाल का कंज्यूम स्टार्ट कीजिए। बीट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट, तो वाइटामिन ई का इन्वॉल्व रखना है, तो वाइटामिन ई आपको 3 सीड्स से, वाइटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स और जिंक कैल्शियम सब कुछ मिल जाएगा, केवल 3 सीड्स आपको लेने हैं, पंपकिन सीड, फिर आपको सनफ्लावर सीड और फ्लैक्स सीड,
ये तीन सीड को आप मिक्स कर लीजिए। अगर आपको पास ससमी सीड है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी कैल्शियम, बिकॉज कैल्शियम ही है जो रूट पे आपका काम करता है, अगर कैल्शियम की कमी होगी तो आपके बाल झड़ेंगे, बाल में फ्रिजीनेस आएगा, तो वो भी अगर चाहिए तो आप क्या कीजिए, पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड और ससमी सीड, ये चार को मिक्स कर लीजिए, डब्बी में भर लीजिए और बस आपको क्या करना है, तीन टाइम खा लेना है, एक चम्मच उठाइए खा लीजिए, अगर नहीं है तो उसको क्रश कर लीजिए और पाउडर बना लीजिए, और जो भी आप बना लें, जैसे कि कोई आटा कर रहे हो तो अब आटा कौन सा लेना है, आपको आटा ओट्स का लेना है या फिर जव बार्ली का आटा लेना है जो ठंडकता करे, वैसा आटा ले लीजिए, उसके अंदर ये भी मिक्स कर लीजिए और हो जाएगा। तो कहने का है हर्ब्स का इस्तेमाल कीजिए, जिंजर का सबसे ज्यादा, तो आप खाने के पहले खाने के बाद जिंजर का एक टुकड़ा खा लीजिए। अब हम यहाँ पे सलाड के, लेकिन सलाड इस मौसम में अगर आपको खाने हैं तो थोड़ा सा स्टीम कर लीजिए, कुक कर लीजिए, कच्चा नहीं खाना है क्योंकि इस वक्त हमारी जठराग्नि वो वीक हो जाती है, तो सलाड खाइए, स्प्राउटेड इज अ बेस्ट, बट ध्यान रखना है हर एक बीन्स को, हर एक स्प्राउट करते समय उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, जैसे कि मुझे स्प्राउट करना है मूंग को तो वो 24 घंटे के पहले हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे चना करना है तो इट्स टेक टाइम, तो वो पानी के कंटेन में रहेगा, तो वैसा मत कीजिए। तो स्प्राउट बनाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि जो मूंग है वो ही जल्दी हो सकता है, तो मूंग का स्प्राउट ले, मूंग है, मट है, मट मूंग बन सकता है, तो उसको ले लीजिए, आप खा सकते हो, और बीट वेरी नाइस है तो वो भी आप ले सकते हो, उसके ऊपर आप गार्निशिंग में डाल दीजिए तो वो चल सकता है। आंवला इज अ वेरी बेस्ट फॉर द इम्यूनिटी, राइट, प्रोटीन को बढ़ाना है तो वो बहुत बड़ा, तो आंवला है, हल्दी है, जिंजर है, सिनेमन है, वो आपको बहुत फायदा करेगा। तो बस उतना आपको ध्यान रखना है कि आप जो खान पीन में है, एक तो तला बना है वो कट कर लेना है, बाहर का जो भी आप अन्न खा रहे हो, जो आप बाहर चाट खा रहे हो, बाहर मस्त बेकी एक बारिश हो रही हो और दूसरे में आप वड़ा पाव खा रहे हो, या फिर बाहर खुला है और मस्त वो समोसे बना के दे रहा है, गरम गरम पकौड़े भजिए बना के दे रहा है, कांदे भजिए बना के दे रहा है, वॉट एवर एनी भजिए, मेथी भजिए बना रहा है, वो नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है, आप घर पे बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए जो बार बार जो तेल बार बार वो जो जला रहा है ना, वो जो तेल है वो ही आपके शरीर में टॉक्सिन्स क्रिएट करता है और फिर आपकी गंदगी स्किन और हेयर तक चली जाती है, क्योंकि लीवर बिगड़ता है, सब कुछ बिगड़ने लगता है। तो यही अगर आपको करना है, आप घर पे भी कर सकते हो, आप घर पे बड़े बना लीजिए, कोई बाजरे के बड़े बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, तो आप घर पे बनाए, लेकिन बाहर का भी फूड खाना नहीं है। पानी खास ध्यान रखिए, लोग बाहर के जूस के दे, बाहर के फ्रूट्स खाते हैं जो ओपन है, वो कट की हुए, वो नहीं लेने हैं आपको, आप घर पे लाइए और अच्छी तरह से सोक कीजिए। एक बात मैं अगेन हर एक लोगों को बताऊं, जो भी आप वेजिटेबल्स लाते हो, जो भी आप फ्रूट्स लाते हो, आप पानी टैप वाटर से नहीं, लेकिन एक टब में निमक डालिए या ACV यानी के एप्पल साइडर विनेगर डालिए और उसके अंदर वो वेजिटेबल्स को डालिए, सोक कीजिए 10 मिनट्स और उसके बाद वॉश करके ही पील कीजिए और उसके बाद ही वो वेजिटेबल्स को खाना शुरू कीजिए, फ्रूट्स को खाना शुरू कीजिए। ऐसे ही डायरेक्ट ले लिया, जैसे खारेक है अभी बहुत अच्छी आती है, इसको डेट्स बोलते हैं, राइट, येलो और रेड कलर की आती है, बहुत ही अच्छी है। प्लम वेरी नाइस फॉर योर स्किन, एप्पल ऑल्सो वेरी नाइस योर स्किन एंड हेयर, राइट, लेकिन आपको उसको सोक करना है और खाना है। तो बस ध्यान रखिए विटामिन सी वाले जो भी फ्रूट मिल रहा है, अभी ग्वावा भी मिलेगा, पपैया भी मिलेगा, प्लम मिलेगा, ऑरेंज मिलेगा, पोमोग्रेनेट इज अ बेस्ट, ब्लड प्योरीफाई करता है पोमोग्रेनेट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, कोई भी इन्फेक्शन हो गई हो उसको भी निकालने का काम करता है। तो फ्रूट खाना है, वेजिटेबल्स खाने हैं, ध्यान रखिए मेरा शरीर क्या बोल रहा है, मेरी स्किन में इमिजिएटली इफेक्ट हो रहा है, कहीं फुंसी आ रही है, समझ जाइए मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ वाला मैंने डाल दिया है। तो उतना आप ध्यान रखोगे तो आपकी स्किन और हेयर दोनों ही अच्छे रहेंगे, और शरीर को अच्छा रखना है तो पहले अन्न की तरफ ध्यान दीजिए और अपने शरीर की तरफ ध्यान दीजिए। जी बिल्कुल मैम, आपने हमारे साथ शेयर किया कि किस तरह नेचुरल रेमेडीज के माध्यम से भी घरेलू नुस्खों को अपनाकर किस तरह से हम जो है स्किन प्रॉब्लम से, हेयर प्रॉब्लम से जो है परेशानियों से दूर रह सकते हैं, साथ ही खान पान पर क्या ध्यान देना है। मैं जानना चाहूंगी मैम, जिस तरह ध्यान जो है, ध्यान हमें हमारी बीमारियों, अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है उससे निजात दिलाता है, और ध्यान हर वक्त करना चाहिए, तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या ध्यान और योगा का स्किन प्रॉब्लम और हेयर प्रॉब्लम से कोई कनेक्शन है,
क्या ध्यान और योगा से हमारी ये प्रॉब्लम्स भी हमसे दूर हो सकती हैं? देखिए, अगर शरीर के अंदर कोई भी टॉक्सिन है तो उसको निकालना है तो हमारा पहला ही काम है क्लिंजिंग का, हम करते हैं तो वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। तो वो दो तरह से होता है, एक तो है कि जो आपके इमोशंस भरे हैं वो भी टॉक्सिन्स है, फिजिकल है वो भी टॉक्सिन्स है, तो ये दोनों को कैसे, तो दो चीज है, एक है अन्न के द्वारा और दूसरा है योग आसन एंड ध्यान के द्वारा। तो हमें दोनों को बैलेंस करना है। जब आप आसन प्राणायाम और ध्यान करते हो तो अपने भीतर में कामिंग होना बहुत जरूरी, यानी कि अन्न हल्का होना जरूरी है। जैसे कि खिचड़ी खाया, चावल खाए तो आपका शरीर हल्का रहेगा। जैसे आप योग करते हो तो मसल्स में स्ट्रेंथनिंग आती है और जहां पे भी जोड़ होते या ब्लड का ऑक्सीजन बढ़ाने का काम करता है। और जैसे आसन करते हो आपका भीतर में ब्रीदिंग जैसे होता है पावर बढ़ने लगता है, और पावर बढ़ेगा तो आपके ब्लड सप्लाई, क्योंकि हर एक जगह पे ब्लड जाता है, वो ब्लड जैसे ही प्योरीफाई होता है तो आपको जो ये स्किन में जो लगता है डलनेस लगता है, ड्राइनेस लगता है, वो सारे निकल जाए। ऑयली, एक्सेस ऑयली, एक्सेस ड्राई क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे भीतर में ज्यादा है, तो वो जब आप आसन और प्राणायाम करते हो उसमें से निकल जाएगा। स्कैल्प में बार बार इचीनेस लगता है या फ्रीजी है 365 दिन है, क्यों, क्योंकि हमारा ब्लड प्रॉपर नहीं हो रहा है, सप्लाई नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रहा है, इसीलिए वो ब्रिटल हो रहे हैं। तो ये हम जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योग प्राणायाम करते हैं तो उससे नाजा हो सकते हैं। जैसे कि भुजंग आसन आपने कर लिया, सेतुबंध आसन कर लिया, त्रिकोण आसन कर लिया आपने, कपाल भाति कर लिया आपने, और धीरे धीरे आप भामरी प्राणायाम शांत रहने के लिए कर दिया। अब ये हुआ फिजिकल वे में, लेकिन मेरा मन हमेशा उदास रहता है, काश मेरा चेहरा अच्छा होता है, ये जो बार बार ऐसे पॉपअप हो रहा है ना, वो सारे वो कहाँ से आते हैं, इमोशन से आते हैं। अब इमोशन की क्या दवा है, कौन से डॉक्टर के पास ऐसी दवा है कि जो मेरा इमोशन को, दर्द को बंद कर ले? आप जेरोक्स निकाल सकते हो कोई भी? नहीं। हम कोई भी स्किन में कोई प्रॉब्लम होते वो फटाक से बोल देगा, ओ आपके ये प्रॉब्लम है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मेरे भीतर में जो इमोशन से भाव है उसको निकालने के लिए क्या है, तो वो एक ही है, मन को शांत करना है ना, तो ध्यान करना पड़ेगा। जैसे ही आप ध्यान करते हो तो आप ट्रिगर कर सकते हो कि ये जो मेरे स्किन में जो धब्बे दिख रहे हैं, एक्ने दिख रहे, ये स्कैल्प में जो दिख रहा है वो क्यों, मेरे भाव, मेरे इमोशंस मेरे ज्यादा है, तो मुझे वो इमोशंस को कम करना है, मेरे बॉडी को हील करना है। तो वो हील कैसे होगा, मन शांत होगा, शरीर शांत होगा, शरीर शांत होगा, बुद्धि शांत होगी, बुद्धि शांत होगी, सारे कर्मेंद्र ज्ञानेंद्रिय शांत होने लगेंगे, और धीरे धीरे आप देख पाओगे स्किन हेयर बॉडी सब कुछ आपका हील जाएगा, ओनली ध्यान के माध्यम से आपका हील हो जाएगा। जी बिल्कुल मैम, आपने हमारे साथ साझा किया कि किस तरह से अगर हमें कोई भी स्किन प्रॉब्लम इस बारिश के मौसम की वजह से हो जाती है या हमारे हेयर प्रॉब्लम जो भी हो जाती है, उन सब से नेचुरोपैथी के माध्यम से कैसे निजात पाएं। इन सब जानकारी के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, मैम ने हमें बताया कि किस तरह हम नेचुरोपैथी के माध्यम से निजात पा सकते हैं अपनी सारी स्किन प्रॉब्लम से और हेयर प्रॉब्लम से। दर्शकों, मैम ने हमें ये भी बताया कि खानपान के माध्यम से हम किस तरह अपने स्किन प्रॉब्लम से जो है निजात पा सकते हैं। साथ ही हमें अपने घरेलू नुस्खों की ओर जाना है, यानी कि अपनी किचन की ओर जाना है और घरेलू नुस्खों को अपनाकर सभी स्किन प्रॉब्लम और हेयर प्रॉब्लम से हम जो है छुटकारा पा सकते हैं। दर्शकों, इस कार्यक्रम के लिए इतना ही, बने रहिए बैक टू नेचर के साथ। नमस्कार। साथ ही दर्शकों, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी जरूर फॉलो कीजिए।